शाइनी, साशा, तो आज पार्क में क्या नया हुआ? पापा, पापा, पता है, बात ये है कि वो जैक है ना, वो गिर गया और उसे चोट लग गई। ओह, तुमने क्या किया? मैं उसके साथ ही था, मैं उसके घर गया और उसकी मॉम को आवाज दी, वो बहुत रो रहा था। क्या अब वो ठीक है? हाँ, बाद में मैं उसके घर पर गया था, उसकी मॉम ने उसे पट्टी लगा दी थी, वो ठीक हो गया था फिर। मुझे तुम पर फक्र है बच्चों, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। चलो बैठो बच्चों, अब तुम्हारे लिए कहानी। ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक प्यासा तोता पानी पीने के लिए झील के किनारे रुका। चलो, यहाँ साफ पानी है। नहीं, वो चींटी तो डूब रही है, मुझे उसे बचाना होगा। शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तोते। मुझे मदद करके खुशी मिलती है चींटी। तुम्हें बेशक से मदद करके खुशी मिलती है, पर इससे मेरी जान बच गई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना चींटी, चलता हूँ। कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसकी नजर एक तोते पर पड़ी। कितना सुंदर तोता है और कितने आराम से वो उस डाली पर बैठा है, वो पिंजरे में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये नींद की दवा बस अपने तीर की नोक पर लगानी होगी। मैं उस पर सीधा निशाना लगाता हूँ, तोता गहरी नींद में सो जाएगा और मैं जाकर उसे पकड़ लूंगा और पिंजरे में बंद कर दूंगा। समझ लो कि तोते की किस्मत अच्छी थी कि वो चींटी वहाँ से गुजर रही थी। ओ नहीं, वो तो शिकारी है और वो तो तोते को निशाना बना रहा है, जिसने मेरी जान बचाई थी। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इस तरह चींटी ने तोते की जान बचा ली। पर एक बात पता है, तोते को कभी पता भी नहीं चला कि चींटी ने उसकी जान बचाई। आप सिर्फ सबकी मदद करो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको उसका फल कब मिल जाए। तो बच्चों, इससे सीख मिलती है कि सिर्फ इनाम पाने के लिए मदद मत करो, दूसरों का हमेशा अच्छा सोचो और बदले में किसी चीज की उम्मीद मत करो। और इस तरह चींटी ने तोते की जान बचाई। पर पता है क्या, तोते को कभी पता नहीं लगा कि चींटी ने उसकी जान बचाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर ऐसा ही होता है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका फल कहीं भी और कैसे भी मिल ही जाता है। ये तो अच्छी बात है पापा, क्या शाइनी को भी उसका फल मिल जाएगा? हाँ, शायद या शायद नहीं। पर किसी इनाम के लिए मदद नहीं करते, ये स्वार्थीपना है। सबके लिए अच्छा करो और बदले में किसी से कुछ ना मांगो। हाँ पापा, हम करेंगे। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।